टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक रियल और फेक जॉब को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको समझेगी और जानेगी। इस बारे में 8 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप ये पता लगा पाओगे कि ये जो जॉब रिक्रूटमेंट या जॉब वैकेंसी आप देख रहे हो ये फेक है या रियल है। और आज के दौर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जॉब सीकर्स की या जॉब ढूंढने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसके अंदर स्कैम्स और धोखाधड़ी भी बढ़ती जा रही है। कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, कई लोगों से पर्सनल डिटेल्स उनकी चुरा ली जा चुकी है, कई लोगों से पैसे वसूल कर गायब हो जाते हैं ये लोग, स्कैमर्स जो होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आज हम जैसे लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और उसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इससे अवेयर किया जाए कि आप एक रियल और फेक जॉब को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, चलिए तो एक एक पॉइंट, 8 पॉइंट आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट को आप ध्यान से और तवज्जो देकर सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इनमें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आप जॉब डिटेल्स को पढ़ रहे हो या जॉब वैकेंसी को पढ़ रहे हो, अगर वहां पर एक्सपीरियंस का सेक्शन आपको दिखता है उसमें लिखा है कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, या फिर आपको ऐसा लिखा है कि भाई एनीवन कैन अप्लाई, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जॉब वैसे तो फ्रेशर्स के लिए भी निकलती है, उसके अंदर भी किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन वहां पर एक वो लिमिट लिखते हैं कि भाई 0 to 2 years या 0 to 3 years या 0 to 5 years, ऐसे वो लोग पैरामीटर्स वहां पर देते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको किसी पोस्ट में ऐसा दिख जाए कि एनीवन कैन अप्लाई, तो आप उसको शंका का स्थान मान लीजिएगा और उसको आप अपने रडार में रख लीजिएगा, उस पर पूरा अभी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट से आपको यह तय कर लेना होगा कि ये रियल है या फेक है, अभी मैं आपको 7 पॉइंट और आगे बताऊंगा। अगर उनमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तब आपको यह तय करना है कि यह फेक है या रियल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यह था, उसमें अगर ऐसा लिखा हो कि एनीवन कैन अप्लाई तो आपको थोड़ा सा उस पर डाउट हो जाना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर है ऑन द स्पॉट हायरिंग या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपको कई मर्तबा किसी जॉब पोस्ट के अंदर ऐसा भी दिखेगा लिखा हुआ कि ऑन द स्पॉट हायरिंग हो रही है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा आपको फाइनलाइज किया जाएगा। तो ऐसा अगर कहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी जो रिलायबल कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में अच्छी तरह से जानती है पहले कि उसका पोटेंशियल क्या है, और वो 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं या फिर वॉकिंस होते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू आपको पता होगा है ना, ऐसे इंटरव्यू होते हैं, वो जूम मीटिंग भी होती है, 1-to-1 होता है लेकिन, ठीक है। लेकिन अभी वो जूम मीटिंग तो कोविड वगैरह के अंदर मजबूरी के कारण हो रही थी, लेकिन अब जो है क्योंकि अब ऑफलाइन वगैरह सब कुछ ओपन हो चुका है, सारी कंपनीज के अंदर वर्क चालू हो चुका है, तो अभी या तो वो 1-to-1 इंटरव्यू होगा, आपको शेड्यूल किया जाएगा, या फिर आपको जो है वॉकिंस के अंदर बुलाया जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपको यह कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट हायरिंग हो रही है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो आप उसको अपने शंका के स्थान पर रख दीजिएगा, और उसमें आप एक रडार में रखा के उसको देखिएगा कि अभी आगे अगर ये 6 में से और कुछ पॉइंट फुलफिल हो जाते हैं तो मान लीजिएगा वो फेक जॉब रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो दूसरा डाउट का पॉइंट होता है कि अगर उसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू का बात कही गई है और अगर आपको कहा गया है कि वो डायरेक्ट हायरिंग करेंगे तो वो गलत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा कि डिमांड यू टू पे मनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यही डिसीजन वाला पॉइंट है आपका कि ये जॉब रियल है या फेक है। अगर आपको किसी कंपनी के द्वारा, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, कंसल्टेंसी है, किसी कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन या कोई छोटा मोटा फर्म है, अगर वो आपसे पैसे डिमांड कर रहा है कि भाई इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे या 800 या 1000 या 1500, जितना भी अमाउंट वो कहे, अगर वो आपको कह रहा है कि ये पे करना होगा, तो उसी वक्त समझ जाइएगा कि ये जॉब 110% फेक है, ये आपसे केवल और केवल पैसा वसूलने की एक चाल है। और गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती है तो उसके अंदर जो पोस्टिंग आती है वो गवर्नमेंट के करियर पेज पे होती है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट निकलता है, और वो गवर्नमेंट के बेसिस पर छोटी मोटी फीस जो ली जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट फर्म्स की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूं, कि ये कभी आपसे पैसे डिमांड नहीं करते जो लीगल होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, जो सही और रियल होते हैं, लेकिन फेक वाले हमेशा आपसे पैसे वसूलने की बात करेंगे। और ये करते क्या है, ये आपसे पैसे वसूलेंगे, आपको वादा करेंगे और बाद में गुल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपसे अगर वो 100 रुपए भी मांगे तो भी आपको नहीं देना है,
हम जो नए नए जॉब सीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतनी पागलपंती से उस जॉब के अंदर अप्लाई, क्योंकि भूखे होते हैं ना जॉब के, हमें तो जॉब ढूंढना है, बस टूट पड़ते हैं। जैसे ही हमें पता है कि हमारी क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है और हमें पैसे मांगा जा रहा है, तो भाई हम देखते नहीं है, हम तो ये सोच लेते हैं आगे का कि 500 रुपए तो जा रहे हैं मेरे, आगे अगर मुझे इसकी अच्छी जॉब मिल जाती है तो 500 रुपए ऐसे वसूल हो जाएगी। तो ये एक लालच होती है, तो इससे आप दूर रहिएगा, ठीक है। अगर आपको पैसा वो डिमांड करे तो नहीं देना है, और उसको समझ लेना है, ये फाइनल डिसीजन आपको ले लेना है कि दिस इज नाउ अ फेक जॉब, ठीक है। उसके बाद अगला आपका चौथा पॉइंट इसमें होगा कि सैलरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर आपको दिया जा रहा है उसके अंदर, आप जब जॉब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स पढ़ रहे हो और उसमें लिखा गया है कि आपको वो सैलरी इतनी मिलेगी, अब आपको ये देखना है कि सैलरी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी एवरेज या नॉर्मल सैलरी कितनी होती है। अगर आपको उससे ज्यादा की सैलरी वहां पर दिख रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा की सैलरी है, तो मान लीजिएगा यहां पर आपको लालच दिया जा रहा है, यानी मान लो कि आप अगर एक साइट सुपरविजन या साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट उसी की है, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि अगर ऑन एन एवरेज उसकी सैलरी देखें तो 20-25,000 मैक्सिमम होता है, ठीक है, 20-25,000 साइट सुपरविजन का होता है 20,000। लेकिन भैया अगर आपको वो 40,000 का दावा कर रहा है कि हम आपको 40,000-45,000 सैलरी देंगे, देन इट मींस दैट कि वो आपको लुभा रहा है, आपको लालच दे रहा है, इसका मतलब आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आपको अगला पॉइंट बताता हूं कि यू आर आस्क टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स, यानी आपको उसमें पोस्ट में कहा जाएगा कि अपनी इंफॉर्मेशन इस पे मेल करो या अपनी बैंक डिटेल्स इस पे मेल करो, तो आपको कतई नहीं करना है, उसको तुरंत जॉब पोस्ट को डिलीट कर देना है और वहां से दूर हो जाना है। इस तरह की जॉब पोस्ट को आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो, आपको कैसे भी कितनी ही इंपॉर्टेंट, कितनी ही वो बेहतरीन जॉब पोस्ट क्यों ना लगे, अगर आपसे पर्सनल डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंक डिटेल वगैरह मांगे तो उससे दूर हो जाओ, उससे बिल्कुल हाथ जोड़ लो और उसको डिलीट कर दो वहां से, आपको उसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी ऐसी कोई प्राइवेट कंसल्टेंसी जो लीगल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, वो आपसे आपकी बैंक डिटेल डायरेक्टली नहीं मांगते, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, पुअरली रिटर्न जॉब एड्स, आप कभी भी देखिएगा, इस चीज को नोटिस कीजिएगा, कंपेयर भी कर लीजिएगा कि जो लीगल या लेजिट जो फर्म्स होते हैं, कंसल्टेंटी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, या फिर जो एमएनसी कंपनी या बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती है, जो लीगल कंपनीज होती है, जो ऑफिशियल कंपनीज होती है, कभी भी उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में या उनकी एड में कभी आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक नहीं दिखेगी। उसमें वो ग्रामेटिकली भी उतने ही सही होते हैं और उसमें स्किल्स या जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके भी उतने ही सही होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए जो जॉब पोस्ट है वो ये है और इसके हिसाब से हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में वो और सोच समझ के लिखते हैं, चेक करके लिखते हैं, लिखने के बाद दोबारा वो चेक होता है पोस्ट कि हमने ये जो लिखा है वो सही है या नहीं, उसके बाद वो आगे जो है प्रमोट किया जाता है। तो आपको ये देखना है पहले कि जॉब डिटेल में जॉब पोस्ट का जो टाइटल रहता है उससे कहीं डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग तो नहीं है, अगर आपको कहीं अलग दिख रहा है तो उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर इसके अंदर इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी है या फिर इसमें बहुत तवज्जो से इसको नहीं लिखा गया, गलतियां अगर उसमें दिख रही है ना आपको, तो समझ लीजिए कि ये किसी तुच्छे से फर्म ने या किसी फ्रॉड बंदे ने इसको पोस्ट किया है और ये केवल और केवल एक धोखाधड़ी का जरिया है। आपको इस तरह की जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद सातवां पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल ईमेल अकाउंट। देखो कभी भी आप जॉब पोस्ट देखते होगे ना, तो जॉब पोस्ट देखने के बाद नीचे आपको कहा गया कि इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे या अपना जो सीवी है उसको शेयर करो, तो वो जो ईमेल है ध्यान रखिए कि वो कंपनी का होना चाहिए। अगर वो पर्सनल ईमेल है देन डू नॉट अप्लाई ऑन दैट पर्सनल आईडी। यहां से हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस सीवी के अंदर से लेकर किसी और को बेचे या कहीं और उसका इस्तेमाल करे जो गैर कानूनी हो सकता है, जिसमें आप फंस सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो उनका जो ईमेल एड्रेस जो आपको दिया जा रहा है शेयर करने के लिए, वो ऑफिशियल कंपनी का होना चाहिए, कंसल्टेंसी का होना चाहिए, एचआर का होना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू या पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो भी आपको वो डिटेल दे रखी है क्या उनका वेब प्रेजेंस अवेलेबल है, यानी कोई भी कंपनी कंसल्टेंसी अपनी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह जो होती है उनका वेब प्रेजेंस, उनकी वेबसाइट होती है, उनके सोशल नेटवर्क पे कुछ हैंडल्स होते हैं, आपको ये भी देखने हैं क्या वो सोशल नेटवर्क पे या वेब पे उनका प्रेजेंस है। अगर वेब पे उनका प्रेजेंस नहीं है तो मान लीजिएगा कि वो टेम्पररी किसी ने बनाया है आपको धोखा देने के लिए, आपसे पैसे ऐंठने के लिए या आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। तो ऐसे कंपनी के अंदर जहां पर जिसका वेब प्रेजेंस कोई नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उस पे आप अप्लाई मत कीजिएगा, वो भी एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है नो नॉलेज अबाउट द हायरिंग कंपनी एंड जॉब रोल। यानी अगर आपको ऐसा लगता है, देखो बहुत
बहुत जरूरी है कि जो भी लेजिटिमेट कंपनीज होती है ना, जितनी भी आप देखोगे लेजिटिमेट कंपनी होती है, उनका वेब प्रेजेंस होता ही होता है, उनके करियर पेजेस होते हैं, उनके ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई हैंडल नहीं मिलता उस कंपनी का, अगर आपको उसके कोई वेब प्रेजेंस नहीं मिलता, अगर आपको उस जॉब के लिए उस कंपनी के बारे में, आपको करना क्या है, पहले आप मान लीजिए एक जॉब पोस्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको लगता है कि जॉब पोस्ट ये है तो ये कंपनी से निकाला है, पहले उस कंपनी को देखो कि उस कंपनी की डिटेल क्या है, उस कंपनी का वेब प्रेजेंस क्या है, उसके अंदर काम क्या किया जाता है, वो कंपनी कहां से बिलोंग करती है, और उसके अंदर जो काम किया जाता है क्या ये पोस्ट उसी की रिलेटेड है या उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल विपरीत है। अगर आपको लगता है कि उससे बिल्कुल विपरीत है तो आपको डाउट हो जाना चाहिए कि ये या तो वो नहीं है, और अगर फिर भी आपको थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए तो उसके बाकी सोशल नेटवर्क हैंडल्स को देख लो कि क्या वहां पर भी इस तरह का कोई पोस्ट है या इस तरह का कोई प्रेजेंस है उनका। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पोस्ट किया गया है उसमें उनका क्या नॉलेज है, क्या जॉब स्किल्स आपको बताई गई है, क्या वो कंपनी की प्रोफाइल से मैच हो रही है, कंपनी के फंक्शन या उनके बिजनेस से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कुछ 8 ऐसे पॉइंट थे जिनके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो जॉब पोस्ट है ये रियल है या फेक है। उम्मीद है ये 8 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अब आप ये तय कर पाओगे कि जो जिस जॉब पोस्ट को आप पढ़ रहे हो क्या वो फेक है या रियल है। ठीक है, तो अगर ये आपको पसंद आया हो, इससे आपको मदद मिली हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी कोलिग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान पाए कि रियल और फेक जॉब को या पोस्ट को या रिक्रूटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो किसी स्कैम से बचे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।